हेलो माय लवलीज, दिस इज़ एंजेला क्रिस्लिंस्की और आज मैं बात करने वाली हूँ पीलिंग सॉल्यूशन के बारे में। ये है ऑर्डिनरी का पीलिंग सॉल्यूशन। आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ मैजिक इन अ बॉटल। क्योंकि मुझे लगता है मेकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ स्किन केयर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किन केयर में फ्यू स्टेप्स हो, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो जो आप कभी स्किप ना करें, तो आपको मिलेगी ग्लास स्किन। समटाइम्स मुझे कभी कभी एक्ने आ जाते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन इसके लिए एक्सफोलियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम यूजुअली स्क्रब करते हैं, लेकिन ये नॉर्मल एक्सफोलियन से अच्छा होता है केमिकल एक्सफोलियंट, जो यूजुअली डॉक्टर्स ऑफिस में होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट के ऑफिस में होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ पील्स होते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड पील, लैक्टिक एसिड पील, सैलिसिलिक एसिड पील। अलग अलग पील के अलग अलग स्ट्रेंथ्स होते हैं और अलग अलग फ़ायदे होते हैं। लेकिन अगर आपको डॉक्टर्स ऑफिस में नहीं जाना है और एक बहुत ही अच्छा पोटेंट पील चाहिए, सो दिस इज़ द प्रोडक्ट, दिस इज़ द ऑर्डिनरी पील। मैं इसे वंस या ट्वाइस अ वीक यूज़ करती हूँ, डिपेंडिंग ऑन मुझे जैसे फील हो रहा है। आप विद टाइम इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं और ट्वाइस अ वीक यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। आप वंस अ वीक से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आप 2 मिनट रखिए, फिर 5 मिनट, एंड देन फाइनली 10 मिनट, बट नॉट मोर देन 10 मिनट्स। सो विदाउट मच अडू आई एम गोना स्टार्ट अप्लाइंग द प्रोडक्ट। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं अपना प्रोडक्ट को अपने स्किन पे टच करना अच्छा नहीं लगता मुझे, इसका नोजल, बिकॉज ट्रांसफ़र ऑफ बैक्टीरिया। एंड ये एक रेड कलर का पीलिंग सॉल्यूशन है और मैं अभी व्यू फाइंडर में देख के बातें कर रही हूँ, क्योंकि और मैं बहुत ही थिन लेयर लगाती हूँ इसका, क्योंकि इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट बर्न्स, इट स्टिंग्स। ओके, मैं पहले ही आपको बोल देती हूँ कि कोई भी एक्सफोलियंट हो, केमिकल एक्सफोलियंट, वो स्टिंग होता है और स्टिंग होगा। और अगर स्टिंग नहीं हो रहा तो काम नहीं कर रहा, नॉट नेसेसरी। अगर स्ट्रेंथ कम हो तो स्टिंग नहीं होगा, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड एक्सफोलियंट, सो स्टिंग होगा। सो लोग यूजुअली बोलते हैं ये वैम्पायर फेशियल जैसा है जो किम कार्डशियन करती है। नो, दिस इज़ नॉट द वैम्पायर फेशियल, बिकॉज वैम्पायर फेशियल होता है PRP। और PRP क्या होता है, जो आपका खून होता है, मीन्स योर ब्लड, उसे बहुत ही डिटेल वे है, बेसिकली आपका ब्लड ही आप में इंजेक्ट कर रहे हैं, सो दैट यू प्रोड्यूस बेटर कॉलेजन एंड बेटर सेल्स, व्हाटएवर, क्योंकि योर ब्लड इज गुड फॉर यू। सो दिस इज नॉट ब्लड बेसिकली, दिस इज जस्ट अ पील। एंड इसके अंदर डिफरेंट इन्ग्रीडियंट्स हैं, डिफरेंट एसिड्स हैं, एंड वो एसिड्स में शामिल है ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड इज वेरी गुड अगर आप में बहुत ही ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन है, ऑयल प्रोडक्शन है। एज आई सेड अर्लियर कि मेरी स्किन ऑयली है, सो इट्स वेरी नाइस फॉर मी। एंड यूजुअली तो बात नहीं करना चाहिए, आराम से चिल करना चाहिए, टीवी देखना चाहिए, जो काम कर रहे हैं आप, किचन में काम कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, वो सब करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे बातें कर रही हूँ और ये थोड़ा बहुत मुझे स्टिंग हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इरिटेट कर रहा है। समटाइम्स पिम्पल प्रोन स्किन को थोड़ा पर्जिंग हो सकता है। पर्जिंग क्या होता है, वो थोड़ा मतलब रिएक्शन जैसा आ जाता है, बट दैट हैपन्स बिकॉज जो भी है वो बेटर हो रहा है, सब कुछ बेटर हो रहा है। सो दिस इज़ अ अमेजिंग प्रोडक्ट। अगर आप डॉक्टर्स ऑफिस में जा रहे हैं नॉर्मल पील कराने, वो अराउंड 2000 से स्टार्ट होता है नॉर्मल पील, एंड उसके बाद फेशियल तो 5000 एंड अबव, वो सारी चीज़ें होता है। लेकिन दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ फॉर 750 bucks, इट्स अमेजिंग। आप इसे ट्वाइस अ वीक यूज़ कर सकते हो, वंस अ वीक यूज़ कर सकते हो, और जो ग्लो आता है ना, ट्रस्ट मी, इट्स लाइक ग्लास स्किन, आई जस्ट लव इट। एंड मेरा बहुत जल रहा है इसलिए मैं इसे बात कर रही हूँ, बट दिस इज़ अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट एंड बहुत ही अच्छा है। एंड इसके अंदर जो भी इन्ग्रीडियंट्स हैं, आपकी स्किन को क्लैरिफाई करने में, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाने में मदद करता है। सो आई एम गोना रीड आउट कि इसमें क्या है। सो इसमें AHA 30% है, BHA 2% है, इट्स अ पीलिंग सोल्यूशन एंड इट इज़ जस्ट फैब, इट्स अमेजिंग। इनफैक्ट आई लव ऑल द ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स। अगर आपने मेरी पिछली स्किन केयर वीडियोज़ भी देखी है, ऑर्डिनरी एंड मिनिमलिस्ट, दीज आर टू प्रोडक्ट्स दैट आई स्वेयर बाय, आई लव इट। आई लाइक कील्स ऑल्सो, आई रियली लाइक इट। सो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। और इसके आफ्टर केयर मैं आपको बताना चाहूँगी
इसके बाद आपको सनस्क्रीन लगाना मस्ट है, क्योंकि आपकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है सन से, और इसे वॉश करते हैं एक वार्म वॉश क्लॉथ से। सो गर्म पानी में आप जो टॉवल है वो डुबो के उसे अच्छे से ये पैट कर देंगे, और गर्म पानी से, गर्म मतलब लूक वार्म वाटर से आप उसे धो देंगे। उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा के, या जो भी जिसके अंदर और कोई एसिड नहीं है, मतलब अगर उसके अंदर विटामिन सी या कोई और चीज़ आ गई तो ख़त्म। तो आपको देखना है इंग्रेडिएंट्स क्या है। मेरे पास इमोलिन है, इमोलिन बहुत ही सेफ मॉइस्चराइज़र, मैं उसके बाद लगाती हूँ और सो जाती हूँ। यूजुअली बोला गया है कि ये प्रोडक्ट को रात के टाइम में लगाएं जिससे स्किन इरिटेट ना हो, और दिन में सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। सो दिस इज़ अमेजिंग प्रोडक्ट, और मैं अभी इसे वॉश करूँगी और आपको अपनी स्किन का इफ़ेक्ट दिखाऊँगी। तो जैसे मैंने कहा कि एक वॉश क्लॉथ के अंदर आप लूकवॉर्म वाटर डाल सकते हो और इसे अच्छे से प्यार प्यार से निकाल सकते हो। ये देखो प्रोडक्ट। वार्म वाटर से वॉश क्लोथ से करने के बाद मैं इसे एक्चुअली वॉश करूंगी ल्यूब वार्म वाटर से, सोप नहीं यूज करूंगी। इसके बाद एक साफ टॉवल से फेस वाइप करके, फेस पे ऑलरेडी एक ग्लो आ गया है, लेकिन हमारी स्किन इरिटेट भी हो गई है इतने सारे एसिड्स के वजह से। सो आई लाइक टू मॉइस्चराइज माय फेस। सो ये है इमोलिन क्रीम, बहुत ही लाइट मॉइस्चराइज़र है, ये मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ, ये पूरी ट्यूब मैंने यूज़ कर ली है। दिस इज़ अमेजिंग। यूजुअली एक डॉक्टर्स ऑफिस के बाद के अंदर भी वो लोग इस तरीके की क्रीम सजेस्ट करते हैं। And then I'll massage my face, not much, क्योंकि skin already irritated है, hence skin में कितना अच्छा glow आ गया। And बस इसके बाद सोना है, bye bye। अगर आपको आज का video अच्छा लगा है तो like, share and subscribe, और मेरी skin तो बहुत अच्छी लग रही है, और आप भी try करें और मुझे बताएं कि कैसे लगा। Bye, love you all।